हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। चैंपियनशिप ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से आया हुआ है। तो इसमें जो है दो प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, एक तो NH3 है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास दूसरा हमारे पास अमोनियम आयन है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है अमोनियम आयन और NH3 मॉलिक्यूल का डिस्कशन होगा। अब यहाँ हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं। दो टाइप के मॉलिक्यूल में देखा जाए तो वेस्पर थ्योरी के जो दो रूल हैं स्ट्रक्चर देखने के लिए, उसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस वाले में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जो अदर वाला है अमोनियम आयन, इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसमें जीरो लोन पेयर है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम देखेंगे कि क्या होता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जो ज्योमेट्री है, मतलब दो टाइप के रूल इसमें लगते हैं। एक तो होता है एक ऐसे मॉलिक्यूल होता है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक ऐसे मॉलिक्यूल होता है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि NH4 पॉजिटिव में अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें जो है जो NH3 है, ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? AB3 टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, और AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, इसमें साथ ही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ए में, यानी कि जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जबकि इस ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, AB4 टाइप मॉलिक्यूल। तो AB4 टाइप मॉलिक्यूल होने की वजह से ये इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो इस वजह से इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री, दोनों की ज्योमेट्री में अंतर होता है। तो यहाँ पे जो AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जो इस तरीके से बन सकती है। ये मैं 4 हम बी बी को जोड़ेंगे, यानी कि बी का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ए का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन है, जो कि सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है दूसरे केस में, अब यहाँ पे तो ये बन गया टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसको देख सकते हो आप लोग, टेट्राहेड्रल बना। दूसरे केस में AB3 टाइप, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, सेंट्रल एटम ए और बी। इसमें लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। इस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है, ये जो है पिरामिडी बनती है, यानी कि त्रिकोणीय पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी। ठीक है, तो 3B मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया NH3 का, ये स्ट्रक्चर हो गया AB4 का। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।